चलिए क्विकली बनाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए. एनीवन? आशी, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक बताओ. अरे आंसर बोलो ना, कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किससे मल्टीप्लाई किया? अपॉन 9/3/6 अपॉन व्हाट निकालो, आपको गलत सिखाया है. अपॉन इज नॉट द राइट वर्ड. फ्रैक्शन में मुझे सिर्फ बाय चाहिए. फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज रीड स्पीक 1/2, नो अपॉन. अपॉन मतलब वो डिवीजन में आप जाओगे. डिवीजन जब डिवी वो आप जो वन ऑफ द ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जैसे डिवीजन इज वन ऑफ द ऑपरेशन, तब अपॉन बोलोगे. दिस 1/2 इज अ फ्रैक्शन, इज अ रेशनल नंबर, तब बाय ही बोलोगे. क्या विश्वास? ओके, 1/2 तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2. यहां पे अपॉन बोलोगे तो इट्स ओके. क्यों? क्योंकि आपका डिवीजन हो रहा है, वहां पे फ्रैक्शन है, तो 1/2, सो इट इज 2/4. उसी तरह 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/6. नेक्स्ट और क्या आएगा श्रिया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हाँ, हाँ तो बोलो, आंसर बोलो श्रिया. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बोलो ना, 4/8 हो गए. हाँ, 6/12. सपोज 6, ओके 6 से किया तो 6/10, 5 से किया तो 5/10, 6 से किया तो 6/12. तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. चलिए उसी तरह 3/4 के क्विकली लिखिए. पहले 2 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 2, सो दैट इज 6/8. चलो नेक्स्ट निकालो फटाफट, 3 से मल्टीप्लाई करो. आंसर श्रिया, क्या? टेल मी. तो इतना टाइम लगता है 3/4 को ना मल्टीप्लाई बाय 6? श्रिया प्लीज आंसर, मल्टीप्लाई बाय 6 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा? वेरी गुड. चलिए सो ये सारे जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है? सो ये सब हम लोग सीख चुके हैं. नाउ थोड़ा सा इसमें चेंज. फाइंड आउट द नंबर एक्स इफ देर आर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 2/7 इक्वल्स टू 8/x, तो x आंसर क्या आएगा? या 28. सो 2/7 को न्यूमरेटर में मेरे पास यहां पे 8 है, दैट मींस आई हैव मल्टीप्लाई दिस 2/4. तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी. सो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4,
2/7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8/28, देयरफॉर 28 इज द आंसर, हेंस एक्स इक्वल्स टू 28। चलिए नेक्स्ट, विश्वास प्लीज टेल व्हाट इज द आंसर। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/9 विथ डिनोमिनेटर 45 लाइक दिस। तो ये जो न्यूमरेटर है वो यहां पे क्या आएगा? सो 9 5 45, सो 5 5 25, सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, करेक्ट। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/54 विथ न्यूमरेटर इज 5। श्रिया, ये इसमें आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क जो है वहां पे क्या आएगा? 45 से 45 को आप किससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। श्रीया, 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो 54 को भी 9 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? सो डिवाइड डिनोमिनेटर 54 ऑल्सो बाय 9, 6, सो आंसर इज 5/6। चलिए नाउ प्लीज डू दिस, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 35/42 विथ डिनोमिनेटर 18। बताइए। चलिए, हाँ, जो जिसकी जिसका आंसर आया है, हाँ बोलो। अरे चेंज हो गई, अरे बाकी सब लोग को चेंज दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? जिसको आंसर आ जाए वो हैंड रेस करे, आंसर नहीं बोलना है। चलो किसका आंसर आ गया? क्वेश्चन, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 35/42 विथ डिनोमिनेटर 18। म्यूट भी करो, चलो म्यूट करो म्यूट। तो जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस करेगा। लेट मी सी कौन पहले हैंड रेस करता है। क्या हो गया, सब लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड में तो सीख के आए थे, खत्म? ऐसा कुछ सीखा नहीं था क्या हमने? पल आरा, आंसर दी क्वेश्चन। अभी तो सब लोग बहुत बोलते थे, क्या हो गया? एम आई ऑडिबल? ओके, सो प्लीज आंसर। हाँ, मुझे नहीं पता, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचो, एक ही चीज थोड़ा सोचते रहने का कि 35/42 को मैं 18 से डिवाइड करूं, क्या करूं जिससे मुझे मिले 18।
जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ऐसा ही हो, डिवाइड कर दो, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचो। माइनस थोड़ा कर सकते हो, मैंने तो क्या बोला, या तो आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए, प्लस माइनस नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, दोनों में से एक ही कर सकते हैं, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा ना। या प्लीज विश्वास, प्लीज टेल व्हाट इज द आंसर। 1 5, वेरी गुड। चलिए, वन फर्स्ट आंसर इज 15, गुड 15। चलिए, एनी अदर आंसर बाकी लोग? दैट मीन्स इट इज पॉसिबल, किसी ने किया तो आपको सोचना पड़ेगा अभी। या आशी, व्हाट इज द आंसर? अरे न्यूमरेटर में एक एक नंबर लिखना है। अच्छा, 16 बाय 18, सो 16 इज द आंसर। न्यूमरेटर में क्या आंसर आएगा वो बताइए आप, सिर्फ 16। व्हाट इज द आंसर आशी? पल आरा सर्वम क्या हो गया? तो यहां पे देखो, 42 और 18 का तो डायरेक्ट कोई रिलेशंस नहीं है ना, तो कुछ तो करो इसको, ये दोनों को देखो, कोई कॉमन फैक्टर है ये दोनों के बीच में? सेवन, सो लेट अस डिवाइड सेवन। तो 7 5 35, 7 6 42। अभी देखो 6 को क्या मैं करूं जिससे 18 आ सकता है? आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो 15। क्यों, हम लोग आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं सोच सकते? सो फर्स्ट डिवाइड डिनोमिनेटर बाय 7 विच इज अ कॉमन फैक्टर। सो 35 42 बिकम 35 डिवाइड बाय 7 अपॉन 42 डिवाइड बाय 7, सो 5 बाय 6। नाउ न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए? 18, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 3 15, 6 3 18, 15 बाय 18, सो आंसर इज 15। दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कोई टेबल में आए या मल्टीपल हो या फैक्टर हो, हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर हो, वहां से मुझे रास्ता मिल जाए। क्लियर आरा पल सर्वम? चलो देन लेट्स डू वन मोर, लेट्स डू वन मोर। Write the equivalent fraction of 22 by 77 having a numerator 4. So something like this. आंसर आते हैंड रेस करो। ओके विश्वास, व्हाट इज द आंसर? 1 4, वेरी गुड। या आशी? ओके वेरी गुड। ओके आरहा 14, वेरी। सो तो थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते, अभी मैंने सिखाया तो सब लोग करने लगे। वेरी गुड। चलिए, सो कॉमन फैक्टर इज 11। 11 में हमने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा?
2 by 7. Now I want 4 in the numerator, so I will multiply by 2. So it is 4 by 14. So 14 is the answer. So 22 by 77 equals to 4 by 14. चलो अभी ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हमने समझा उस तरह से बराबर। दूसरा अगर है तो हमें एक मेथड समझना चाहिए, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है वो चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? तो न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट multiply by denominator of second equals to denominator of first into numerator of second. जैसे ये first fraction है equals to suppose second fraction, तो numerator of first by denominator of first and numerator by, ऐसा है बराबर। ये दोनों equal है कि नहीं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। वो दोनों सेम होना चाहिए, एन वन मल्टीप्लाई बाय डी टू इक्वल्स टू एन टू मल्टीप्लाई बाय डी वन, ये इक्वल होना जरूरी है। दैट इज द मेथोडोलॉजी टू चेक वेदर द गिवन टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो चलिए लेट्स चेक। यहां पे टू फ्रैक्शंस आपको दिए हैं, 3 by 7 एंड 9 by 21। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? चेक कीजिए विथ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। सो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन फाइंड आउट द आंसर वेदर दे आर दैट इज सेम और नॉट। सो 3 multiply by 21 एंड 9 multiply by 7, क्या आंसर आ रहा है? क्या व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड। सो इट इज सेम, दैट मीन्स बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, करेक्ट। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? सो इक्वल फ्रैक्शन चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। लेट अस चेक वन मोर, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? लेट्स क्रॉस चेक। हाँ आर दे इक्विवेलेंट? ओके, so 24 is 80 and 12 5 is 60, so they are not equal. So these two fractions are not equivalent fractions, correct? So equivalent check karna hai to aise kar sakte hain. Video band karo Sarvam, tumhara natak रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, मैं ये आज मम्मी को भेज दूंगा। चलिए थिंग्स टू रिमेंबर, फ्रैक्शंस विथ वन इज नोन एज अ यूनिट फ्रैक्शंस। फिर हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स, और अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा। So I will get the equivalent fractions. चलो ये होमवर्क, ये भी कल शाम को 7 बजे तक सबमिट करना है। नोट डाउन सर, हम नोट डाउन, फिर बाद में बोलोगे रह गया। क्विक राइट 3 fractions equivalent of the following: 2 by 3, 5 by 8, 3 by 7, 6 by 11. Next, अरे तो जल्दी लिखो ना, तो
जल्दी लिखिए भाई, इतना टाइम क्यों लगता है? वेरी गुड, अरे वो श्रिया ने लिख दिया, तुमने नहीं लिखा अभी तक, क्या कर रहे हो सगम? क्विक क्विक क्विक, चलिए नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो यू टू सबमिट टूमोरो 7 PM. हो गया? चलो नेक्स्ट, अरे 1 मिनट, 2 मिनट नहीं मिलेगा, 1 ही मिनट मिलेगा. क्विक क्विक क्विक, श्रिया लिख लेती है सर्वम, तुम्हारा क्यों रह जाता है? फास्ट, डन. डन, चलो नेक्स्ट. ये कल शाम को 7 बजे तक एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 56/70 विथ न्यूमरेटर 12. तो और कब करना है? होमवर्क है ना भाई, होमवर्क है ये, नहीं तो आप लोग तो पूरा दिन खेलते रहते हो, वो भी मोबाइल के ऊपर. चलो लिख दिया, वेरी गुड. चलिए ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट. तो अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना ढूंढ लिया, नाउ लेट्स गो फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शंस का मतलब है कि हम उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे. रिड्यूस फॉर्म मतलब जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, यानी दोनों एक दूसरे के को प्राइम्स होने चाहिए. दूसरे शब्द में, हा या ना, हा या ना, रिड्यूस फॉर्म. या रिड्यूस फॉर्म का मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज सपोज टू बी वन ओनली. इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर को प्राइम्स नंबर. क्यों को प्राइम्स? क्योंकि दोनों के बीच में HCF इज वन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन. तो हमें उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है जब तक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक हो. फॉर एग्जाम्पल 18/24, तो कॉमन फैक्टर क्या है?
कॉमन फैक्टर क्या है 18 एंड 24 के बीच में? सिक्स। सो पहले तो टू, तो टू से डिवाइड किया तो 9/12। अभी भी कोई कॉमन फैक्टर है? तो हाँ है। क्या 9 एंड 12 को प्राइम्स है? सो व्हिच इज द कॉमन फैक्टर? सो थ्री।